हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अंदर चलते हैं मंदिर के। ये जो जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आज हम अंदर चलेंगे और इस जगह से देखते हैं अंदर कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो देखिए, अभी हम साइट पे आ गए हैं। तो जो भी हम बिल्डिंग के ऊपर से आपको दिखा रहे थे, तो वो यही बिल्डिंग थी जहाँ ये काम चल रहा है, देख रहे हैं। तो ये कोरोना के होते यहाँ पर काम बहुत धीमा हो गया है, बहुत से वर्कर घर चले गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे सब अभी लेकिन इंजीनियर्स अपने काम में लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग भी लगभग हो ही गई है, इसका खाली मतलब इनका पूरा स्वरूप तो बन गया है। अब इन लोग को साज सजावट सजावट करनी है, जैसे पत्थरों से ये जो आप देख रहे हैं आगे हुई है, उस तरह वाला काम अब बाकी रह गया है अंदर की फिनिशिंग। तो देखिए, लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत से वर्कर। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे लाइब्रेरी का प्रस्तावित है कि यहाँ लाइब्रेरी बनेगी, और इसी बिल्डिंग के आगे जाके लोगों को ठहरने वाला जो होता है आपका, जिसमें आके लोग विश्राम कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो भी बनेगा। तो ये देखिए, मंदिर के इस साइड में ये गर्भागृह, इसको कहते हैं मंदिर का गर्भागृह है ये। तो यहाँ पे देखिए, सारे पत्थर आके रखे हैं और धीरे धीरे काम उसको उठा उठा के हो रहा है। देखिए कितनी बढ़िया नक्काशी की जा रही है। तो ये नक्काशी करने के लिए स्पेशल लोगों को ये मतलब बुलाया गया है कि वो स्पेशल एकदम, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही थी ऊपर ये है, ये मंदिर के यहाँ पे जो ये बन रहा है। तो ये जो लोग हम लोग लाइन लगा के अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोगों को धूप लगती है, इतने कड़ी धूप में से खड़े होकर जाना पड़ता है, तो वो नहीं होगा, और यहाँ पे विश्राम के लिए बैठ सकते हैं। और कुछ टीवी वीवी भी यहाँ पे प्रस्तावित है कि यहाँ पे लग जाएगी, तो लोग बैठेंगे, थोड़ा सा पंखा रहेगा, ये रहेगा, तो आराम रहेगा, भक्तों को उतना भागना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखते हुए चलिए आप, कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा काम हो गया है, ये पत्थर सारे रखे हुए हैं। तो अभी बहुत से मजदूर, कोरोना फिर से चालू हो गया तो अभी चले गए, उन लोग काम नहीं कर रहे, उन लोग अभी अपने घर चले गए हैं। फंड की भी कुछ कमी हो जाती है जब कोरोना होता है। तो मैं भी सोच रहा था कि ये फालतू में मंदिर उंदिर, बहुत से लोग कम से कह रहे थे कि फालतू में मंदिर में पैसा खर्चा करा जा रहा है, लेकिन सोचिए कि ये काम हो रहा है तभी तो कितने मजदूरों का घर चल रहा है। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे, ये मकराना से आए हुए मार्बल्स हैं सारे। इन लोगों से हमने बात किया कि आप भैया आप लोग कहाँ के हैं, तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग आपका मकराना से हैं और कुछ यहाँ के लोकल भी हैं, तो सब मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अपना काम भी कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि, तो उनकी भी मतलब उसको निखार रहे हैं कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर भी पूरा काम हो ही गया है। ये देखिए सामने पत्थर कितने बड़े बड़े कहाँ कहाँ से आके रखे हैं। ये देखिए, ये सब सारे लेबर्स हैं, तो ये स्पेशल लेबर, इसलिए इन लोगों को टैग भी मिला है, और इसी तरह सबको मिला है, लेकिन जो ये स्पेशल है तो थोड़ा सा उनका मिला हुआ है कि वो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। देख लीजिए एक बार यहाँ से भी, ये देखिए ये बन रहा है। ये जो ये पीछे आपको ये दीवार दिख रही है, ये सब ये भी यहाँ पे भी अभी मार्बल्स लगेंगे, और उस पर तो जैसा लिखा हुआ होता है सब चीज़ आपका, कुछ जो मंदिरों पे लिखा लिखा बनाते हैं कि यहाँ पे चौपाई लिखी है या समथिंग, जो जो लिखते हैं उस टाइप से भी इस पे बन के लगेगा किसने कितना पैसा दान किया और क्या किया, और ये सब जो होता है देख लीजिए एक बार। आपको ये पहली फुटेज मैं लेके आ रहा हूँ, अभी तक कोई मंदिर के अंदर की फुटेज नहीं लाया था। तो लोग क्या है कि हम लोग भी यूट्यूबर्स हैं, तो नहीं मिलता ये उतनी वो, तो इसीलिए सब हम पुरानी पुरानी वीडियो लगा लगा के सब लोग हम लोग दिखाते रहते हैं कि लोगों को कुछ तो कहीं से भी अपडेट मिल जाए, या कहीं से भी कुछ हल्की फुल्की अपडेट मिलती है तो दिखा देते हैं हम लोगों को, क्योंकि अंदर की अनुमति नहीं होती है। इस बार बहुत मुश्किल से ये फुटेज मिल पाई है हमें, तो हम लोगों ने कहा आपको अंदर के भी एक बार फुटेज दिखा दी जाए। देख लीजिए आप पूरा ये मंदिर का नज़ारा, ये देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है। ये उसका भी रैपिंग हुई है, ये पूरा मतलब बना बनाया लग रहा है, जैसे कुछ आया हुआ है, उसको खोल के उसको रैप निकाल के उसके ऊपर पूरा वो करते हैं। ये देखिए सामने एकदम ये बाबा के दरबार के पास हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे भी ज़मीन पे भी काम बाकी बचा हुआ है, पत्थर सारे लगे हैं, ये आपके रखे हुए हैं, फिर ये लगेंगे, उसके ऊपर मशीन चलेंगी। अभी ये देख लीजिए एक बार आप, पत्थर सारे देखिए, अभी लोग भी कितनी है। तो ये मतलब कि भीड़ है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी ये 4-5 दिन पहले की, 10 दिन पहले की वीडियो है जब मैं कर रहा था, अब तो भीड़ एकदम कम हो गई, अब तो एकदम ही अलाउ नहीं है जिसको भी आना है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए, और ये सामने नंदी जी के पास है, इधर नंदी जी है। अभी बाहर से भी आपको एक बार लुक दिखाते हैं, ये बाहर से एक बार मंदिर का नज़ारा देख लिया, ऐसा गेट बन रहा है। तो ये भी थोड़ी सी मेरी पुरानी फुटेज है, तो मैंने आपको कहा कि क्योंकि इस आगे से भी परमिशन नहीं मिल पाई थी तो मैं नहीं दिखा पाता आपको। तो ये एक बार आप आगे से भी देख लीजिए, इस टाइप से कुछ फ्रंटेज बन रहा है,
तो अभी जल्दी ही मैं अक्षय वृक्ष जो वृक्ष यहाँ पे था, बड़ा बड़ा पुराना ही वृक्ष था, वो गिर गया था, तो उसकी भी फुटेज मेरे पास है। मैं एक दो दिन में वो भी वीडियो डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि गिर गया था तो क्या स्थिति हुई थी। ये देख लीजिए गेट है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, और आगे वीडियो में बने रहिए, तो मैं और भी कुछ आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बनारसी बस मौला।